जा के पागल आशिक के चक्कर में मेरे नरेन को पुलिस जेल ले गई और मैं यहाँ रिफ्यूजी की तरह भाग रही हूँ। अलग मेरा बस चले तो उस पूजा को गोली मार के चलनी चलनी कर दूं। Oh, you shut up! नरेन का भूत अपने सर से उतारो और अपनी चमड़ी बचाने का सोचो। भाई को बचाने के लिए पूजा किसी भी हद पार जाए और सबसे पहले पकड़ेगी हमारी गर्दन। हमारी क्या बोलो क्या करे? मामला ठंडा होने तक तुम किसी होटल में अपना रूम बुक करवा लो। और तुम कहाँ चले? एक काम अधूरा रह गया, वो पूरा करके आ। इंस्पेक्टर साहब, बस एक बार मुझे नरेन से मिलने दीजिए। I really need to talk to him। देखिए पूजा जी, आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर आपने ज्यादा जिद की तो मजबूरन मुझे आपको पुलिस स्टेशन से बाहर भेजना होगा। नंदू, मैडम को चाय पिलाओ। पूजा, मामा, मामा, पता नहीं नरेन अंदर किस हालत में होंगे, पुलिस मुझे उनसे मिलने भी नहीं दे रही है। डोंट वरी पूजा, बेटा ऋषिकेश के टॉप लॉयर्स बस पहुंचने ही वाले हैं, नरेन को रिहा करवा कर ही दम लेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं उस कपूर को कभी माफ नहीं करूंगा। भाई वो कपूर खतरे से बिल्कुल बाहर है, आप टेंशन मत लो, वो सही गवाही भी देगा और भाभी जैसे रिहा भी हो जाएगी। प्लीज कॉल मी अर्जेंटली। मुझे मेरी पूजा जेल से बाहर चाहिए। डोंट वरी बेटा, पूजा जेल से बाहर जरूर आएगी। सारे पैसे सारे कॉन्टैक्ट्स का जोर लगा दीजिए और बस बस पूजा को वापस घर ले आइए। हाँ बेटा। क्या कप्पू भाई, अपनी आशिकी का लाइव टेलीकास्ट करना जरूरी था? मुझे मत कहिएगा, आपकी आशिकी ने ही आपकी जान ली है। एक बार आप भगवान को प्यारे हुए तो नरेन बाबू भी जेल को प्यारे हो जाएंगे, ना कोई गवाह रहेगा और ना कोई रिहाई।